हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल शाक्या। और इस बार जो मैं आपके लिए मेडिसिन लाया हूँ वो है विंटर रेमेडी, मतलब सर्दियों की जो है वो मेडिसिन है। वो तो आपको उस आभास हो ही गया होगा ये किस किस लिए मेडिसिन है। तो ये है मेडिसिन जो सर्दियों में मोस्टली कंप्लेंट्स आती हैं कि भी हमारे उंगलियां और जो पैर की जो उंगलियां हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो मैं आपको बता दूँ ये मोस्टली जो विंटर में ही आएगा, विंटर जो अपने सर्दियाँ हैं उसमें ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये हर सर्दियों में पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको जो नाम दिया गया है इस डिजीज़ को वो है चिलब्लेम्स। मतलब ये जो ये आप देख रहे हैं ये फिंगर्स हैं, इनकी फिंगर्स में इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि भी फिंगर्स में रिंग डालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। भी डॉक्टर साहब, हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं या पैर की उंगलियां हैं बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं, जिसकी वजह से हम ना तो हाथों में रिंग्स डाल सकते हैं और ना ही पैरों में कोई शूज़ वगैरह डाल सकते हैं। और पेशेंट कई बार चप्पल भी पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो अंगूठा है पैर का उसमें काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, और उसमें कई पेशेंट को टचिंग में पेन होता है। जिस पेशेंट टच करते हैं उसमें पेन है, या फिर कई पेशेंट्स की इचिंग होती है, काफ़ी इचिंग होती है। और इसी इचिंग पेशेंट ऐसा ऐसा बैठे, आप देखा होगा कई बार पेशेंट ऐसे ऐसे बैठा करता रहता है, क्योंकि इचिंग के दौरान उसे अच्छा लगता है, इचिंग करना अच्छा लगता है, और जो स्वेलिंग है उसके अगर वो थोड़ा दबाएगा उसके पेन भी होगा। तो इसमें क्या है, कई पेशेंट्स के सिर्फ जो स्वेलिंग तक ही लिमिट रहती है इस डिजीज की, बट कई पेशेंट्स के है जो सीधे स्वेलिंग से ऊपर होके उसके जो क्रैक्स बढ़ जाते हैं उंगलियों में, यहाँ पे इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि उसके क्रैक्स जो स्टार्ट हो गए हैं दोनों पैरों और उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है, जिसकी वजह से उसके पेन हो रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं। क्रैक्स के अब जो थर्ड पेशेंट होगा जिसके ज़्यादा ही उसकी स्वेलिंग हुई है, क्रैक्स भी आए हैं, और तीसरा उसके उसमें जो है पस फॉर्मेशन हो चुकी है। तो उसके लिए मैं आपको आज मेडिसिन बताऊंगा कि भी चिल ब्लेम्स के लिए कौन सी मेडिसिन बहुत ही असरदार है। तो ये चिल ब्लेम्स का मोस्टली आजकल पेशेंट उसको पता नहीं होता, कि भी पेशेंट सोचता है कि ये हर सर्दियों में आते हैं और हम इसे सेक लेंगे, गर्म आँच पे सेक लेंगे तो उसे काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो कई पेशेंट्स के मैं बता दूं, कई पेशेंट्स के ये एग्रेवेट भी हो जाता है, कि बाम से उसको एग्रेवेट हो जाता है, बट उसे अच्छा लगता है बाम से जो गर्म गर्म सिकाई वगैरह करना अच्छा लगता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी अच्छी है, इसमें आप ले सकते हैं उसे और लेना भी चाहिए, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है सीधा इस पे आपके जो हर रिकरेंट जो बार बार आ रहा है आपके हर सर्दियों में जो इसकी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्वेलिंग की और चिलब्लेम्स की प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको दूर कर देगी। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपने इस पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगानी है, और एप्लीकेशन लगाने के बाद कई पेशेंट्स को मैंने देखा है वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने इस पे नारियल का तेल लगाया था, मिट्टी का तेल लगा लिया, कई पेशेंट बोलते हैं, इसमें हमने सरसों का तेल और नमक लगा लिया था जिससे हमें आराम मिला। और कई पेशेंट कहते हैं हम इस पे सेकते रहते हैं आँच पे तो क्या रहता है पेशेंट को रिलीफ मिलता है, बट ये कई बार इन कई पेशेंट्स को ये एग्रेवेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये दिक्कत है काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको बता दूं मैं, इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेडिसिन आएगी वो है एगेरिकस। एगेरिकस जो मेडिसिन है वो इसकी स्पेशल रेमेडी है, कि भी आपके चिलब्लेम्स हुआ और आप वो ये एगेरिकस ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ ये एगेरिकस मेडिसिन, तो ये आप देख सकते हैं, खोल के आता हूँ, ये देखिए ये एगेरिकस रेमेडी है। और इसमें क्या है, आपने इसकी ये 200 पोटेंसी है, इसको आपने 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम को अपनी जीभ पे डाल लेनी है। ये कम से कम आपको 1 मंथ लेनी है, तो 1 मंथ लेने के बाद इसके जो आपको रिजल्ट हैं काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे। कई पेशेंट में ये भी होता है लंबी इसको बार बार हो रहे हैं तो वो 1 मंथ ले सकता है, और बल्कि पेशेंट 1 वीक ले सकते, 1 वीक लेके 1 वीक छोड़, 1 वीक ले 1 वीक छोड़ दे, फिर 1 वीक फिर ले सकता है अगर उसे रिलीफ नहीं मिला तो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि भी ये एगेरिकस है वो सिर्फ और सिर्फ काम आएगी, वहाँ तक लिमिटेशन है जो आपकी जो जो आपके स्वेलिंग हो रही है पैरों और हाथ में स्वेलिंग हो रही है, बल्कि ना क्रैक्स आ रहे हैं,
या फिर उसमें पस फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ से स्वेलिंग को ये आपकी रुकेगी। और दूसरी जो मेडिसिन है वो आपको मैं बता दूंगा कि भी ये मेडिसिन जो है आपके चिल ग्लैंड्स में ड्यूरिंग क्रैक्स, जब क्रैक्स पड़ जाते हैं और उसमें पेन आ जाती है, काफ़ी पेन होता है पेशेंट को, उन फिंगर्स की मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।